हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नया रेसिपी बना के आप लोगों को दिखाते हैं। ग्रीन राइस बनाएंगे चूल्हा जलाने के बाद। देखिए इसको हम रखते हैं, इसमें हम डालेंगे पानी। पानी गर्म किए हुए थे, अब इसमें डाल देंगे पालक साग, ढक देंगे। देखिए गोभी है, हरा मिर्चा रखे हुए हैं, प्याज है, मटर है, अदरक है, सब डालेंगे। बोरो है, रेशा छूट गया, इसको हम कटिंग कर रहे हैं। इसको मिक्सी में पीसेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, मिक्सी में पीसे इसको यहाँ रख देंगे। आते हैं मिक्सी में, इसको पीस कर गर्म हो चुका है। इसमें हल्का पहले जीरा ऐड कर लेंगे, जीरा डाल लेंगे। जीरा डाल लिए, प्याज ऐड कर लेंगे, ग्रीन राइस बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। मिर्चा जो ऐसे किए थे हल्का, उसको भी डाल लेंगे। इस कटोरी में पहले ही हम डाल लेंगे चावल को। पानी में फूलने के लिए रख देंगे पहले से ही। गोभी, बोड़ो उसमें डाल देंगे। आलू को ऐड कर देंगे इसमें, प्याज को टेस्ट कर लेंगे। इसमें नमक डाल लेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कई सब्जी नहीं है, ग्रीन राइस बन रहा है, इसे एक चम्मच डाल दिए। हल्का हल्दी ऐड कर लेंगे हाफ चम्मच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। इसमें टेस्ट मेरा तैयार है ग्रीन राइस के लिए। हम पानी डाल लेंगे,
गरम पानी है एक गिलास डाल देंगे। मटर भी ऐड कर देंगे, मटर डाल देंगे। इसमें एक चीज और डालेंगे, थोड़ा सा मूंगफली डाल देंगे, इसको ऐड कर देते हैं। हल्का गरम मसाला, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना नमक थोड़ा सा। लगभग तैयार हो चुका है। इसको हम देखिए, इसमें जो हम डेढ़ गिलास पानी डाले थे इंडिया गेट चावल में, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिए, देखिए इसको इसमें डाल के ऐसे करेंगे, चला लेंगे पूरा। तो ये जो पालक का पेस्ट बनाए थे, इसी को डालकर हम बना देंगे ग्रीन राइस। देखिए इसको भी डाल देंगे, ऐड कर दिए, बन के अब तैयार होने वाला है, दिखाएंगे। और आप लोग इसमें थोड़ा धनिया भी ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर दिए। इसको हम ढक देंगे इस तरह से, ग्रीन राइस को ढक दिए हैं। एक चीज़ और हम भूल चुके हैं, थोड़ा हल्का ज़्यादा आँच में खोल जाए उसके बाद इसको हम कम कर देंगे, आँच कम कर इसको ढक के छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट में मेरा ग्रीन राइस बन के तैयार हो जाएगा, बनना शुरू हो गया है, खोल रहा है खूब अच्छा से। दोस्तों ग्रीन राइस मेरा बन के तैयार है, देखिए कितना अच्छा बना है ग्रीन राइस। मेरे बनाने का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ हंसते रहिए। जय हिंद।